हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट विद रोशन। सो टुडेज आई एम गोइंग टू शो यू अ न्यू मधुबनी पेंटिंग। तो आज मैं आपको फिर से एक सिंपल और ब्यूटीफुल मधुबनी पेंटिंग सिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ब्रूस्टोक का ड्राइंग पेपर लिया है। इस पेंटिंग के लिए हमें लगेगी पेंसिल और कंपास या डिवाइडर और माइक्रोन पेन। मैंने पहले भी बताया है, आपके पास अगर माइक्रोन पेन नहीं है तो आप इसकी जगह परमडन मार्कर या जेल पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें चारों तरफ से बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर लेनी होगी। मधुबनी पेंटिंग में बॉर्डर लाइन का भी उतना ही महत्व है। आपने अगर पहले भी मधुबनी पेंटिंग देखी होगी तो उस पेंटिंग में बॉर्डर लाइन होती ही है। बॉर्डर लाइन से भी हमारी मधुबनी पेंटिंग उभर कर दिखती है। बॉर्डर लाइन के लिए हम पेंसिल ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। पेंसिल का इस्तेमाल करके बॉर्डर लाइन कैसे ड्रॉ करती है ये हमने पहले वीडियो में देखा है, इसीलिए मैं इस स्टेप को फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ। अगर आप डिटेल में बॉर्डर लाइन बनाना सीखना चाहते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, उस पर हमने पहले भी काफ़ी वीडियो अपलोड करके रखे हैं। आप उनमें से कोई भी वीडियो देख के बड़ी आसानी से बॉर्डर लाइन बनाना सीख जाओगे। और एक बात ध्यान रखना, बॉर्डर लाइन करते समय उसे डबल लाइन करना भी बहुत आवश्यक है, इसीलिए डबल लाइन करना कभी भी ना भूलें। आपने भी देखा होगा कि मधुबनी पेंटिंग में ज़्यादातर डबल लाइन का इस्तेमाल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी स्टेप की तरफ। बॉर्डर लाइन ड्रॉ करके कंप्लीट होने के बाद हमें शीट का सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। उसके लिए हमने जहाँ तक बॉर्डर लाइन ड्रॉ की है वहाँ तक हमें मेजरमेंट कर लेना है। निकाले हुए मेजरमेंट का दो भागों में डिवाइड करके वहाँ पे पॉइंट देना है। ऐसे ही चारों तरफ से हमें पॉइंट निकाल लेने हैं। अच्छे से वीडियो को ऑब्जर्व कीजिएगा, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर हम निकाले हुए पॉइंट को आपस में जोड़कर एक लाइन बना देंगे। ऊपर से भी सेम प्रोसेस, यहाँ पर प्लस बना है बस वो हमारा सेंटर पॉइंट। अब हम कंपास से 5.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेंगे। जहाँ पर हमने सेंटर पॉइंट लिया है वहाँ पर रख के सर्कल बनाएंगे। सर्कल कंप्लीट होने के बाद हमें डिवाइडर को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए जाना है ताकि एक के ऊपर एक अच्छे से सर्कल निकल कर आए। हमें इस तरह से 8 सर्कल बना लेने होंगे। पेंसिल से ड्राइंग ख़त्म हो गई, अब हम इसे माइक्रोन पेन से फेयर करेंगे। ये प्रोसेस आपको बड़े ही ध्यान से फॉलो करनी होगी। धीरे धीरे पेन से लाइन ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पर आप जल्दबाजी ना करें, अगर आपकी लाइन थोड़ी सी भी गलत हो जाए तो उसे मिटा पाना बेहद मुश्किल होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़े स्पेशल से काम करना होगा। अगर आपका ड्राइंग करते हुए मन ना लगे तो मैं कहता हूँ आप थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर उसके बाद फिर से अपना वर्क कंटिन्यू करो। काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि वर्क करने बैठो तो उनका मन ही नहीं लगता, उन पर आलस हावी हो जाता है। आपको वैसा नहीं करना है, आपको आलस पर हावी होना है और वर्क को मन से कंप्लीट करना होगा। ऐसे ही हमें सारे सर्कल अच्छे से ड्रॉ कर लेने होंगे। उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट पेंसिल से स्केच करेंगे, या हम डायरेक्ट पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें दोनों तरफ से एक जैसे ही ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने हैं, इसीलिए हम यहाँ पर पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। या हम ओनली ऑब्जेक्ट की आउटर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बाकी का काम हम डायरेक्ट पेन। We'll be right back.
तो देखिए हमने आधी पेंटिंग कचनी स्टाइल में कंप्लीट कर ली है और बाकी भागों को हमने कलर के लिए छोड़ दिया है। तो चलिए अब हम कलरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर कलरिंग के लिए कैमिल के फैब्रिका के एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ये कलर परचेस करना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड करके रखी है। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस पेज पर पहुँच जाओगे। आप वहाँ से इस कलर को बड़े आसानी से परचेस कर पाओगे। अगर आप ये पेंटिंग एक्रेलिक कलर में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप पोस्टर कलर में भी बना सकते हो या फिर वाटर कलर से भी बड़ी आसानी से बना सकते हो, लेकिन आपको वाटर कलर यूज़ करने के लिए हैंडमेड शीट इस्तेमाल करनी होगी। हैंडमेड शीट पर आप इजीली वाटर कलर हैंडल कर सकते हो। अगर आप कार्टेज शीट का इस्तेमाल कर रहे हो तो पोस्टर कलर बेस्ट है उसके लिए। तो अच्छे से देखिएगा कलरिंग को। ये पेंटिंग बेहद आसान है बनाने के लिए। अगर आप एक बार अच्छे से देख लोगे तो आप बड़े ही आसानी से बना सकते हो।
ऑलमोस्ट हमारी पूरी तरह से कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं बैकग्राउंड की तरफ। बैकग्राउंड में भी डिज़ाइन देना आवश्यक है। इस तरह के सेमी सर्कल हम पूरे बैकग्राउंड में फिल करेंगे, फिर बाद में हम इसे भी कलरिंग कर देंगे। ये भी काम आपको पेशेंस से करना ज़रूरी है। पूरे बैकग्राउंड में फिल करना बेहद मुश्किल है। इसे कंप्लीट करने में ज़्यादा वक्त लगता है, दिखता नहीं लेकिन यहाँ पर भी बारीक काम है। देखिए हमारी कलरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जहाँ पर ज़रूरत लगे वहाँ पर हम पेन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कलरिंग के ऊपर भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो इस स्टेप पे आप बना सकते हो। देखिए हमने यहाँ पर फिश के सेल्स ड्रॉ किए हैं। ऐसे ही हम जहाँ पर ज़रूरत लगे वहाँ पर हम पेन का इस्तेमाल करेंगे और पेंटिंग को कम्प्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बॉर्डर लाइन को कलर करेंगे। बॉर्डर लाइन को कंप्लीट करने के लिए हम रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर ब्लू कलर का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम बॉर्डर को रेड कलर से कलर कर रहे हैं। इस कलर से अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, इसीलिए हमारी पेंटिंग का लुक बेहद ही अच्छा निकल कर आया है। तो देखिए फाइनली हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये हमारी पेंटिंग पसंद आई होगी और ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। हमारे इस पेंटिंग को एक लाइक याद से ज़रूर करना। इस पेंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ऐसे ही आर्ट से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन टोन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। जल्दी मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग नई आर्ट वर्क के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।